हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एमिरेट्स आईडी को लेके एक अपडेट आया है कि अगर कोई भी चेंजेस आपके एमिरेट्स आईडी में हैं तो वो आपको जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रेसिडेंस वीसा, आपका प्रोफेशन या फिर एमिरेट्स आईडी पे कोई भी चेंज होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए ह्यूज फाइन भी आ सकता है आपके एमिरेट्स आईडी के ऊपर। तो कैसे चेंज करना है, क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बता दूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एमिरेट्स आईडी में अगर आपको कोई चेंज करनी है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है आपको अपना रेसिडेंस वीजा में वो डेटा चेंज करवाना पड़ेगा। चाहे आपका नाम हो या फिर आपका प्रोफेशन हो, कुछ भी अगर चेंज हुआ है तो सबसे पहले रेसिडेंस वीजा में आपको वो चेंज करना होगा। चेंज जो करना होगा वो GDRFA की वेबसाइट में होता है या फिर आप कहीं भी जो टाइपिंग सेंटर्स होते हैं या एमर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके आप लोग चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, आप लोग विजिट कर सकते हैं, जो वेबसाइट है वो मैं बता दे रही हूँ, GDRFA.gov.ae में एक जो डेटा अमेंडमेंट करके एक वहाँ पे सेक्शन होता है डेटा अमेंडमेंट फॉर रेसिडेंसी वीजा, वहां पे जाके आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको उस पेज में ले जाता है जहां पे आप करेक्शन अपना करवा सकते हैं रेसिडेंस वीजा के ऊपर। इसके बाद भी अगर आपको कहीं और जाना है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइपिंग सेंटर्स में आप लोग जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है एमर सेंटर्स में जा सकते हैं, दुबई में या यूएई में कहीं भी एमर सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके आप लोग फर्दर प्रोसेस क्या है, यानी कि आपका रेसिडेंसी वीजा करेक्शन होता है पहला, उसको पहले आपको करवा लेना। इसकी जो फीस है, गवर्नमेंट फीस जो है वो 260 दिरहम की होती है, और एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप टाइपिंग सेंटर्स वगैरह से करवाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं। जैसे ही आपका रेसिडेंसी वीजा ठीक ठाक होके आ जाएगा, यानी कि इम्प्रूव्ड होके या बोल सकते करेक्शन होके आ जाएगा, उसके बाद आपको अपनी एमिरेट्स आईडी को अपडेट करनी होगी। जो एमिरेट्स आईडी को अपडेट करना होगा उसके लिए भी आप GDRFA की वेबसाइट में जा सकते हैं, या फिर जो ICP है अल बर्शा में है, अल गजल मॉल में है, अल रशीदिया में है, वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और आप लोगों को बाय पोस्ट आपकी नई एमिरेट्स आईडी आपको मिल जाएगी। इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो है 350 दिरहम्स, ये इंक्लूडिंग है सर्विस फी और आपके कुरियर चार्जेस को लेके, यानी कि पूरा पूरी आपको जो चार्ज देना है वो सिर्फ 350 दिरहम की आपको देना है। उसके बाद मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपके इसके लिए करेक्शन के लिए, आपकी रेसिडेंसी वीजा या एमिरेट्स आईडी में कोई भी गलती है उसको करेक्शन करवाने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी जो रेसिडेंसी वीजा है वो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लगेगी, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन योर चेंज रिक्वेस्ट, यानी कि आप जो चेंज करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा ताकि जो चेंज है वो लोग कर सके, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप लेबर ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, या जैसे कि आपको ऑफिशियल कुछ चेंज करवाना है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे सकते हैं, या फिर नाम वगैरह चेंज करना है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है वो आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक नंबर उन्होंने दिया है जो कि कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर का नंबर है, जो कि है 600-522-222, ठीक है, ये नंबर है, इसमें आप लोग कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है उनका, वो लोग आपको डिटेल में बता देंगे। तो गाइज, आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।